हेलो दोस्तों, आज फ्रीक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप राशन कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन राशन कार्ड में करेक्शन कैसे कर सकते हैं, आप राशन कार्ड में कोई भी यूनिट कैसे जोड़ सकते हैं, आज की इस वीडियो में वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप राशन कार्ड में करेक्शन कैसे कर सकते हैं। अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में अपनी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी लॉगिन करनी है। ई डिस्ट्रिक्ट आईडी लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ विभागीय एकीकरण सेवाएं एवं SSDG निस्तारित आवेदन, आपको यहाँ पर पहले नंबर पर ही विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु आवेदन करें पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ अप्लाई फॉर इंग्रीडिएट सर्विस पे क्लिक कर देंगे और आप यहाँ तीसरे नंबर पर फूड एंड सिविल सप्लाईज राशन कार्ड इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ NFSA पे क्लिक करना है। आप यहाँ 03.NFSA पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको इधर आना है यहाँ साइड में, और यहाँ पर आपको राशन कार्ड संशोधन करे पे क्लिक करना है। नीचे आप यहाँ राशन कार्ड संशोधन हेतु आवेदन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जिला चुनने में अपना जिला चुन लेंगे, जो भी आपका जिला है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी राशन कार्ड संख्या डालेंगे, जो आपका राशन कार्ड नंबर है वह आप यहाँ पर डालेंगे। राशन कार्ड नंबर डालने के बाद आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने आपके राशन कार्ड की सभी डिटेल आ जाएगी। यहाँ बेसिक डिटेल में आपको अपने राशन कार्ड की बेसिक डिटेल्स मिलेगी। एड्रेस डिटेल्स में यदि आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ एड्रेस डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। यदि आप फैमिली मेम्बर जोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यदि आप बैंक खाता नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बैंक डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। यदि आप अपने फ़ोटो या आधार जो भी अटैचमेंट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पर फैमिली मेम्बर जोड़ना है तो मैं यहाँ तीसरे नंबर पर फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ नया परिवार का सदस्य जोड़े इस पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ नया परिवार का सदस्य जोड़े पे नीचे आना है आपको। आपको यहाँ से सबसे पहले श्री श्रीमती कुमारी जो भी है वह सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ से सदस्य का नाम आप यहाँ पर हिंदी में डालेंगे। इसके लिए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट का होना ज़रूरी है। उसके बाद आप स्पेस कर देंगे, इधर अंग्रेजी में ऑटोमेटिक ही नाम आ जाएगा। इधर यहाँ जन्मतिथि में आप उसकी जन्मतिथि डालेंगे, जिसका भी आप इसमें यूनिट जोड़ना चाहते हैं उसकी जन्मतिथि आप यहाँ पर डाल देंगे। जन्मतिथि डालने के बाद आप यहाँ पर जेंडर चूज कर लेंगे, जो भी है मेल फीमेल। उसके बाद आप वार्षिक आय में यहाँ जीरो कर देंगे, क्योंकि इसमें परिवार की वार्षिक आय जोड़ी जाती है मुखिया की। यहाँ पर आप उसके पिता पति का नाम डालेंगे हिंदी में। डालने के बाद आप नीचे स्पेस कर देंगे और इधर उसका नाम आ जाएगा। यदि उसका नाम गलत आ रहा है तो आप अपने अनुसार उसे अपने आधार कार्ड के अनुसार सही कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे मुखिया से संबंध चुनेंगे, इसके जिसके आप यूनिट जोड़ रहे हैं उसके मुखिया से क्या संबंध है वह आप यहाँ से चुनेंगे। उसके बाद उसकी आधार संख्या यहाँ पर डालेंगे, जो भी उसकी आधार कार्ड संख्या है जिसकी आप यूनिट जोड़ना चाहते हैं उसकी आधार संख्या आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे सदस्य जोड़े पर क्लिक करेंगे। सदस्य जोड़े पर क्लिक करने के बाद आपकी यूनिट जुड़ जाएगी। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर 5 यूनिट थी, अब 6 हो चुकी है। अब मैं एक यूनिट और आपको जोड़ के दिखाता हूँ। इसके बाद आप दोबारा यहाँ नया परिवार का सदस्य जोड़े पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से चूज कर लेंगे, जो भी है श्री श्रीमती कुमारी। आप वह चुनने के बाद आप यहाँ पर उसका हिंदी में नाम डालेंगे, जो भी नाम है उसका। हिंदी में नाम डालने के बाद आप यहाँ नीचे स्पेस कर देंगे और इधर अंग्रेजी में ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर जन्मतिथि डालेंगे उसकी, जो भी उसकी जन्मतिथि है वह आप यहाँ पर डालेंगे। जन्मतिथि डालने के बाद यहाँ जेंडर चूज कर लेंगे आप। जेंडर चूज करने के बाद वार्षिक आय में आप 0 ही रहने दीजिए। और उसके बाद आप यहाँ उसके पिता पति का नाम डालेंगे, जो भी उसके पिता या पति का नाम है वह आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आप स्पेस कर देंगे, इधर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। यदि गलत आ रहा है तो आप उसे अंग्रेजी में सही कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ मुखिया से संबंध चुनेंगे, उसके जो भी मुखिया से संबंध है। उसके बाद आप यहाँ आधार कार्ड संख्या डालेंगे उसकी, जिसकी आप यूनिट जोड़ रहे हैं उसकी आप आधार कार्ड संख्या यहाँ पर डाल देंगे। आधार कार्ड संख्या
डालने के बाद आप यहाँ सदस्य जोड़े पे क्लिक कर देंगे। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी यहाँ पर 6 यूनिट है, अब यहाँ पर 7 हो जाएगी। आप यहाँ सदस्य जोड़े पे क्लिक कर देंगे। सदस्य जोड़े पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अब यहाँ पर 7 सदस्य हो चुके हैं। इस तरह आप यूनिट जोड़ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। यह आपकी यूनिट यहाँ पर सुरक्षित हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर फैमिली डिटेल सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है, परिवार का विवरण सुरक्षित हो गया। आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको इधर साइड में क्लिक करना है। यहाँ पर साइड में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर संशोधन का संबंधित अधिकारी को अग्रेषण यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जिला चुनेंगे, जो भी आपका जिला है। उसके बाद आप यहाँ पर उसका राशन कार्ड संख्या डालेंगे जिसकी आप यूनिट जोड़ रहे हैं। राशन कार्ड संख्या यहाँ पर टाइप कर देंगे। करने के बाद आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप यहाँ एक बार उसकी यूनिट चेक कर लेंगे, जो आपने जोड़ी है वह सही है या नहीं है। चेक करने के बाद उसके बाद आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर फाइनल लॉक पे क्लिक कर देंगे। फाइनल लॉक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से नोटिफिकेशन आएगी। यहाँ पर दिखाएगा, कृपया ध्यान दें, फाइनल प्रिंट लेने के बाद राशन कार्ड लॉक कर दिया जाएगा और उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन हो पाएगा। क्या आप फाइनल प्रिंट लेना चाहते हैं? यदि आप इसे उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो आप यहाँ कैंसिल करके दोबारा संशोधन कर सकते हैं। यदि आपका सही है बिल्कुल तो आप यहाँ ओके कर दें। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आपको यहाँ पर दोबारा अपनी ई डिस्ट्रिक्ट पे आना है। इधर यहीं पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 थी पहले, अब 3 रह चुकी है। मेरा एक यूनिट यहाँ से इनग्रेडेट हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ अप्लाई फॉर इनग्रेडेड सर्विस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ फूड एंड सिविल सर्विस दोबारा क्लिक करने के बाद आप यहाँ NFSC पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 03.NFSC पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से राशन कार्ड पावती रसीद पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपना ज़िला चुन लेंगे, जो आपका ज़िला है। ज़िला चुनने के बाद आप यहाँ पर अपनी राशन कार्ड संख्या डालेंगे, जो आपने भी नाम जोड़ा है वह राशन कार्ड संख्या आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने आपकी राशन कार्ड की डिटेल आ जाएगी और आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं यह 2 पेज में यहाँ पर प्रिंट होगा। उसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आप यह जो आपने यूनिट जोड़ी है यह आप कस्टमर को दे देंगे। इस तरह आप ई डिस्ट्रिक्ट ID से किसी भी राशन कार्ड में यूनिट जोड़ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।